सो हे मेरी चलो भाई, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कार सीरीज से रिलेटेड डीलरशिप के बारे में। और हाँ, ऑब्वियसली हम ऑफिस एडिट मोड को लेकर ही आज बात करने वाले हैं। और अगर आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तो अपनी एक्साइटमेंट थोड़ी कम कर लो और अपने दिमाग को थोड़ा काम डाउन करके ये वीडियो आराम से देखो, क्योंकि आप लोगों का दिमाग सच में खराब होने वाला है। और भाई मेरा भी हो गया था जैसे मैंने वो अपडेट देखी। और ये मत सोचना कि अपडेट नहीं आने वाला है, अपडेट आने वाला है, लेकिन इस गेम के महान डेवलपर्स ने ऑफिस एडिट मोड को कर दिया है पेड। ओ चूना लगा दिया। तो भाई अब हम नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकते ऑफिस एडिट मोड को, उसके लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे तब जाके ही हम ऑफिस एडिट मोड को एक्सेस कर पाएंगे। एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे ऑफिस एडिट मोड के नीचे कमिंग सून लिख के आता था पहले, लेकिन इस जो अगला अपडेट आएगा उसके बाद अगला या फिर उसके अगला पता नहीं कब देने वाले हैं। अब तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, कभी भी दे दो क्योंकि वो वैसे भी पेड होने वाला है। तो हाँ, उसके नीचे कमिंग सून लिखा हुआ आता था, लेकिन अपडेट के बाद जैसे ऑफिस एडिट मोड अपडेट आएगा उसके बाद कमिंग सून की जगह 82 रुपीज़ का प्राइस लिखा हुआ आएगा और हमें वो पे करने पड़ेंगे तब जाके हम ऑफिस एडिट मोड को एक्सेस कर पाएंगे। अब भाई ये है हम लोगों के लिए थोड़ी बहुत दिमाग खराब करने वाली न्यूज़, और बहुत लोग इसको खरीद भी लेंगे, लेकिन इस गेम की बहुत सारी ऑडियंस ऐसी भी होती है जैसे कि 10 से 15 साल के बीच के बच्चे जो कि इतने पैसे नहीं लगा सकते गेम में। और भाई ये बहुत ही ज़्यादा अनफेयर टाइप लगता है, बिकॉज इससे पहले भी जो कार सेलर सिमुलेटर डीलरशिप बैन हुआ था उसमें जो ऑफिस एडिट अपडेट था भाई वो तो बिल्कुल फ्री था, लेकिन इन लोगों ने ये पेड कर दिया। मतलब सेम टू सेम अपडेट था लेकिन उसमें फ्री था, ये पेड कर दिया लोगों ने। तो ये बहुत ही ज्यादा अनफेयर लगता है। और अब पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, अपडेट आने का वेट करते हैं। मैं खरीदूंगा या नहीं ये भी मुझे नहीं पता अभी। और बाकी आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका कितना दिमाग खराब हुआ और आप लोग खरीदोगे या नहीं। और मेरा भी बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ ऑब्वियसली, मेरे मतलब अपने लिए नहीं, मेरी ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ, क्योंकि सबकी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी भाई ऑफिस एडिट मोड को लेके। पर अब क्या ही कर सकते हैं भाई, क्योंकि डेवलपर्स को भी तो कुछ इनकम का सोर्स ढूंढना पड़ेगा ना। अगर उनके पास इनकम ही नहीं आएगी गेम से तो वो और अच्छे अच्छे अपडेट्स कैसे लेके आएंगे, तो ये चीज भी हमको समझनी चाहिए। और अभी खैर फिलहाल मेरे जाने का टाइम हो चुका है। और कार सेलर से रिलेटेड डीलरशिप पे वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल पे जाके देख सकते हो, और गैर सोन ऑनलाइन पर भी वीडियो देखना चाहते हो तो भी देख सकते हो। तो चलो भाई मैं चलता हूँ, और जाते जाते बस मत रहेगा बी से बी एपी कुछ लाते रहिए, राधे राधे गाइस और गुड बाय।